हाय, मैं मोहित, आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड्स। अगर अभी आप लोग मुझसे पूछोगे कि इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा अंडररेटेड स्मार्टफोन ब्रांड कौन सा है, तो मेरा आंसर होगा मोटरोला। जबकि मोटरोला ने हाल ही में, मतलब कि पिछले 1-2 सालों में काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोनों को लॉन्च किया, जैसे कि Moto G 34, Moto G 54, Moto G 84, या फिर मोटरोला का H40, या फिर मोटरोला का H40 Neo, और बहुत सारा मोटरोला ने इंडिया में कमाल फीचर्स के साथ फ़ोन को लॉन्च किया। लेकिन फिर भी अभी मोटरोला इंडिया में अंडररेटेड स्मार्टफोन ब्रांड है मेरे विचार से। अब आप सभी के विचार से है या फिर नहीं है, आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वैसे मोटरोला का फ़ोन कैसा होता है, क्या हम सभी को इस फ़ोन को बाय करना चाहिए या फिर बाय नहीं करना चाहिए, मैं आज इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप सभी को मोटरोला फ़ोन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर मैं आप सभी को सेल के बारे में यूट्यूब से भी पहले इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मोटरोला अभी बाकी ब्रांड से अलग क्या कर रहा है इंडिया में। सबसे पहला, मोटरोला जो है अपने फोन का प्राइस एग्रेसिव रख रहा है। बहुत सारी कंपनी भी अपने फोन का प्राइस एग्रेसिव रखती है, लेकिन बाकी सारे ब्रांड फोन को एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च करने के लिए अपने फोन में फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, लेकिन मोटरोला जो है कम से कम फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है। तो फोन को एग्रेसिव प्राइस में ही लॉन्च करना जरूरी नहीं है, जरूरी ये भी है कि उस फोन में फीचर्स भी हम सभी को अच्छा मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आप सभी को बोला कि मोटरोला अपने फोन को एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च करता है और फीचर्स में भी कम से कम कॉम्प्रोमाइज करता है। और देखो, 53% जो आदमी है वे चिपसेट देके फोन को बाय करते हैं। मोटरोला भी इसी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ रहा है, जहां लगभग अभी सारे स्मार्टफोन ब्रांड अपने फोन में लो ग्रेड का चिपसेट यूज कर रही है, दूसरी तरफ मोटरोला अंडर 20,000 रुपए में भी लेटेस्ट प्लस अच्छा प्रोसेसर को यूज कर रही है। और मोटरोला ये भी कोशिश करता है कि मार्केट में अगर कोई नया चिपसेट आए तो वे चिपसेट सबसे पहले मोटरोला फोन में यूज हो। मैं आप सभी को एक एग्जांपल देके समझाने का कोशिश करता हूँ। मोटो H30 में ही सबसे पहले हम सभी को स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिला था, और हाल ही में, मतलब कि कुछ दिन पहले ही इंडिया में मोटो H50 Pro फोन लॉन्च हुआ है, जिसमें हम सभी को मिलता है लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का Gen 3 प्रोसेसर। ये भी प्रोसेसर हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है, और जहाँ तक मुझे याद है कि मोटोला ने ही सबसे पहले स्लिमेस्ट 5G फोन को लॉन्च किया था। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इंडिया में जब 5G नहीं आया था, तभी सभी ब्रांड अपने फोन में 1 5G बैंड या फिर 2 5G बैंड प्रोवाइड कराते थे। तब मोटरोला एक लौता ब्रांड था जो अपने फोन में 5 5 6 6 या फिर 8 8 5G बैंड को प्रोवाइड कराता था। लेकिन दूसरी तरफ, मतलब कि दूसरी कंपनियां हम सभी को धोखा दे रही थी। वे लोग अपने फोन में 1 5G बैंड या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 5G बैंड को यूज कर रही थी, लेकिन मोटरोला अपने फोन में 5 या फिर 6 या फिर 8 8 5G बैंड को प्रोवाइड करा रहा था। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जब इंडिया में बजट में 5G फोन लॉन्च हो रहा था, तब ज्यादातर ब्रांड फीचर में कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, लेकिन मोटरोला तभी एक ऐसा ब्रांड था जो फीचर्स में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था। अभी भी आप लोग देख लो कि बजट में जितना भी मोटरोला फोन है, ज्यादातर फोन में आप सभी को POLED 10-bit का डिस्प्ले देखने को मिलता है। उस फोन में आप सभी को कैमरा अच्छा मिलेगा, अच्छा रैम मिलेगा, और आप सभी को क्या चाहिए, उस फोन में अच्छा फास्ट चार्जिंग भी होता है। अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि मोटरोला का बेस्ट फोन होता है, चाहे कोई भी फोन हो, हम सभी को सभी फोन में कुछ ना कुछ कमी जरूर देखने को मिलती है, चाहे वे आईफोन हो, सैमसंग का फोन हो, रेडमी हो, रियलमी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, या फिर और कोई भी कंपनी हो। ठीक वैसे ही हम सभी को मोटरोला में भी कुछ न कुछ कमी जरूर देखने को मिलती है। मेरे कहने का मतलब यही है कि अभी बजट सेक्शन में मोटरोला सबसे अच्छा काम कर रहा है मेरे विचार से। अब आप सभी का क्या मानना है, आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वैसे भी आप लोग मोटरोला का फोन अंडर 20,000 रुपए में, अंडर 15,000 रुपए में, अंडर 30,000 रुपए में भी बाय कर सकते हो। मोटरोला फोन में आप सभी को अच्छा फीचर्स मिलेगा, अच्छे प्राइस में मिलेगा, सेल में मोटो के फोन में और भी ज्यादा डिस्काउंट होगा। एक वक्त था 10-20 हज़ार के बीच में आप सभी को अच्छे अच्छे फोन देखने को मिलता था, कॉम्पिटिशन इस प्राइस रेंज में बहुत ही ज्यादा था, लेकिन अभी के समय में इस प्राइस रेंज में लगभग कॉम्पिटिशन खत्म ही हो चुका है। अंडर 15,000 रुपए में भी आप सभी को कॉम्पिटिशन मिलेगा ही नहीं, 20,000 के आसपास कुछ कॉम्पिटिशन देखने को मिल भी जाएगा, लेकिन अंडर 15,000 रुपए में लगभग यहाँ पर कॉम्पिटिशन खत्म ही हो चुका है। एक समय था जब रेडमी और रियलमी बहुत ही एग्रेसिव प्राइस में अपने फ़ोन को लॉन्च करते थे, लेकिन अब रेडमी और रियलमी 30,000 में जाके शिफ्ट हो चुका है। लेकिन अभी आपको अच्छा रेडमी या फिर रियलमी फ़ोन को बाय करना है तो आप सभी को 20,000 रुपये के ऊपर जाना होगा, लेकिन एक वक्त था 10 या फिर 20,000 के प्राइस रेंज में हम सभी को
Redmi या फिर Realme के अलावा कोई अच्छा फ़ोन देखने को नहीं मिलता था। सेम काम अभी Motorola कर रहा, क्योंकि अभी इस प्राइस रेंज में लगभग यहाँ पर कंपटीशन ही खत्म हो चुका है। इसी बात का Motorola यहाँ पर फायदा उठा रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि Motorola भी सेम Redmi या फिर Realme वाला काम कर रहा बजट सेक्शन में। Motorola भी अच्छे फीचर्स के साथ एग्रेसिव प्राइस रेंज में अपने फ़ोन को लॉन्च कर रहा है। साथ में Moto स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आता है, मतलब कि इस फोन में हम सभी को क्लीन UI देखने को मिलता है। लेकिन Moto के फ़ोन में हम सभी को एक चीज़ का ही कमी देखने को मिलता है। क्या कमी मिलता है? Moto अपडेट बहुत ही लेट देता है। ये मेरा कहना नहीं है, ऐसा सभी का कहना है। और Motorola को अपने बजट फ़ोन में कम से कम 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट एटलीस्ट यहाँ पे देना चाहिए, और हर एक महीने में हम सभी को सिक्योरिटी अपडेट भी टाइमली मिलना चाहिए। अगर Motorola अपडेट पे ध्यान देता है तो जाहिर सी बात है Motorola का और इमेज ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा ये फ़ोन बिकने वाला है इंडिया में। लेकिन एक बात तो यहाँ पर क्लियर है, दूसरी ब्रांड मतलब कि Realme, Redmi, ये लोग जितना जल्दी अपडेट देते हैं उतना जल्दी फ़ोन डेड होता है। हाँ, मैं सारे फ़ोन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले 1 या फिर 2 साल से सुन रहा हूँ कि जैसे ही आपके फ़ोन में अपडेट आए वैसे ही आप लोग अपने फ़ोन को अपडेट करोगे तो हो सकता है कि आपका फ़ोन डेड हो जाए। ऐसा पहले बहुत बार हो चुका है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि भले ही Motorola के फ़ोन में लेट अपडेट आए लेकिन फ़ोन डेड होने का चांसेस यहाँ पर बहुत ही कम है। तो अब मैं लास्ट में ये बात कर लेता हूँ कि क्या आप सभी को Moto फ़ोन को बाय करना चाहिए या फिर बाय नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को Moto फ़ोन को डेफिनेटली बाय करना चाहिए। मैंने आप सभी को शुरू से अंत तक बता दिया कि Motorola भी कैसे काम कर रहा है इंडिया में, अच्छे फ़ोन को लॉन्च कर रहा है एग्रेसिव प्राइस रेंज में, तो इसलिए मैंने आपको बोला। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि Motorola के फ़ोन में हम सभी को कुछ कमी देखने को ना मिले। अब ये भी हो सकता है कि किसी ने आज Moto फ़ोन को बाय किया, उनका Moto फ़ोन अगले दिन ही ख़राब हो जाए, तो वे लोग कभी ट्रस्ट करने वाले हैं Motorola पे? तो जाहिर सी बात है वे लोग कभी Motorola फ़ोन पे ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। किसी का हो सकता है कि Moto के साथ अच्छा कनेक्शन रहा हो, मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, तो जाहिर सी बात है वे लोग Motorola का नेक्स्ट टाइम भी फ़ोन को बाय करने वाले हैं। तो कभी भी कोई भी फ़ोन को बाय करो तो थोड़ा वेट कर लो, उस फ़ोन के बारे में रिसर्च करो, तो ही किसी भी फ़ोन को बाय करना। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप सभी का Motorola के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो या फिर ख़राब एक्सपीरियंस रहा हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप सभी को ये वीडियो जरा सा भी पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना था, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।